हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही जबरदस्त सी कड़ी पकोड़े की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर करा करें। चले चलते हैं, करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। आपने 2 कप दही ले लेना है। ये तकरीबन 1/2 किलो के करीब दही है। इसमें 1 कप से कम थोड़ा बेसन ऐड कर लेना है। उसके बाद 1 कप आपने फुल इसमें वाटर ऐड करना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। इसके बाद आपने एक पैन ले लेना है। उसके अंदर 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच चाय का जीरा और 3 से 4 अदद लाल साबुत गोल मिर्च लेकर इसे थोड़ा सा भून लेना है। इसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके 1 से 2 मिनट इसे भूनना है। उसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाए तो आपने इसके अंदर 1 काट प्याज लेकर उसमें 2 हरी मिर्च डाल के उसे पीस लेना है और वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 से 2 मिनट आपने चमचा चलाना है। उसके बाद इसके अंदर आपने ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करना है, जिसमें 1 चम्मच हल्दी है, 1 चाय का चम्मच इसमें पिसी लाल मिर्च ऐड करना है, 1 चम्मच कुटा भुना धनिया ऐड करना है, 1 चम्मच कुटा भुना जीरा ऐड करना है, 1 चाय का चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर लेना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 मिनट आपने इस मसाले को भूनना है ताकि इसके अंदर से हल्दी की और कच्चेपन की स्मेल ना आए। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाए तो आपने जो दही और उसका बेसन का मिक्सर तैयार करके रखा है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद आपने इसमें 4 से 5 गिलास भर के पानी ऐड कर देना है और इसे पकने के लिए 1/2 से 1.5 घंटा छोड़ देना है, वो भी मीडियम आंच पे। आपने इसके चमचे को उस वक्त तक चलाना है जब तक इसके अंदर एक बॉयल ना आ जाए। जब इसके अंदर एक बॉयल आ जाए आपने इसके ढक्कन को ढक कर 1/2 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। जितना ये पकेगी उतना ही अच्छी होगी। इसके बाद आपने इसके पकौड़ों की तैयारी कर लेनी है। उसके लिए आपने 2 कप बेसन ले लेना है। उसके बाद इसमें आपने 1 दरमियाने साइज की प्याज काट कर ऐड कर देनी है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देना है, 1 टेबलस्पून भर के नमक, 1 टेबलस्पून कुटा भुना धनिया, थोड़ी सी हल्दी ताकि इसका कलर अच्छा आ सके, 1 चम्मच इसमें आपने भर के 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च और 1 चम्मच आपने इसमें पिसी मिर्च ऐड करने के बाद 1 टीस्पून आपने इसमें कुटा भुना जीरा ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी को आप चेक कर सकें। ना ये बैटर पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखें, मैंने पानी जो है 1.5 कप डाला है। इसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप हाथ से भी कर सकते हैं और स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने ऑयल को डालना है और ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल आपका जब गर्म हो जाए तो आपने चेक कर लेना है कि ज्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा गर्म होगा तो आपके पकोड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। और अगर ये बिल्कुल ठंडा होगा तो पकोड़े क्या करते हैं, ऑयल अपने अंदर जब्स कर लेते हैं, जिससे जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो देखिए, यहाँ मेरा ऑयल जो है वो बिल्कुल मीडियम था। मैंने एक एक करके यहाँ पकौड़े डाले, अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई हो गए। मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया। अब ये देखिए यहाँ कितना जबरदस्त सा कलर आया है। जब ये बिल्कुल अंदर से भी हल्की आंच पे जो है वो गल जाएंगे और ऊपर से भी इनका कलर अच्छा आएगा तो फिर मैं इसे निकाल लूंगी। अब मेरी कड़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो मैंने 1/2 से 1.5 घंटा पकाई है। उसके बाद ये पकोड़े मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैं जो है इसे मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। उसके बाद मैं अब इसके भगार की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, 1 मीडियम साइज की प्याज को काट के ऑयल में डाला है, 4 से 5 अदद मैंने साबुत लाल मिर्चें, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लेकर इसकी भगार के लिए इसको लाइट ब्राउन सा कलर देना है। तो यहाँ देखिए कितना जबरदस्त सा कलर आया है। कड़ी का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अगर आप फ्लेम ऑन पर भगार को डालेंगे तो इसका सारा ऑयल जो है वो उड़ जाएगा, तो आपने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करके भगार लगाना है। तो ये देखें कितनी जबरदस्त सी कड़ी हमारी रेडी है। आप इसे चावल या रोटी जिस तरह चाहें सर्व करें, मजे मजे से खाएं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।